गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस टॉपिक वी विल डील हाउ प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर अवर एनवायरनमेंट। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथिन बैग्स। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. देखो बेटा, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम कोई भी आइटम हो उसको प्लास्टिक में रैप करके ले आते हैं, प्लास्टिक की थैली साथ में लेके आते हैं, और जिससे प्लास्टिक हमारे घरों में जमा होता जाता है। हम जितनी बार मार्केट जाते हैं उतनी बार नया प्लास्टिक घर में ले आते हैं, और इस तरह से हमारे घरों में प्लास्टिक जमा होता जाता है और उसके डिस्पोजल की एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। ओके, हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक कभी डिस्पोज नहीं होता, वो डिकम्पोज नहीं होता, वो प्लास्टिक कभी डिकम्पोज आसानी से नहीं होता। और वो भी हम ये कहें डिकम्पोज नहीं होता, इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर मिट्टी में है और उसमें बैक्टीरिया उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ पाए तो इसका मतलब उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पा रहा है, वो अनडिकम्पोज रह रहा है। ओके, सो अ मटीरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ऐसा सब्सटेंस जो कि डिकम्पोज हो जाए बैक्टीरिया के द्वारा, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जो डिकम्पोज हो जाए बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा, उसको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। ओके, और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अ मटीरियल विच इज़ नॉट ईजली डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ऐसा सब्सटेंस जो कि डिकम्पोज ना हो नेचुरल प्रोसेसेस से, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है, जैसे पेपर है, कॉटन क्लॉथ है। ओके, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। टी लीव्स हैं, फ्रूट वेस्ट, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल वेस्ट, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। ये मिट्टी में ही मिल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं होता। तो प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। टेबल 3.3 आपकी बुक में दी हुई है, इसमें टाइप ऑफ वेस्ट दे रखे हैं, उनका टाइम दे रखा है कि कितना टाइम लेते हैं ये डीजनरेट होने में, डिकम्पोज होने में, और ये किस तरह का मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये भी साथ में दे रखा है। जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं पील्स वो, और जो बचा हुआ खाना होता है वो 1 से 2 हफ्ता लेता है डिजनरेट होने में, डिकम्पोज होने में, तो बायोडिग्रेडेबल है। पेपर 10 से 30 डेज लेता है, बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लॉथ 2 से 5 मंथ लेता है, सो इट इज़ ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। वुड जो है डिकम्पोज होने में 10 to 15 years पूरा लेता है, बड़ा वुड का जब टुकड़ा है तो बायोडिग्रेडेबल। इसी तरह से वुलन क्लॉथ्स अबाउट अ ईयर, सो वी कैन से बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैंस 100 to 500 years ले सकते हैं या इससे भी ज़्यादा, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं ये मेटल्स। और इसी तरह से प्लास्टिक बैग्स बहुत सेवरल ईयर्स, और हम कहें कि कोई ईयर निश्चित नहीं है प्लास्टिक के लिए, बायोडिग्रेडेबल ये नहीं होता। और जब एक निश्चित ईयर के बाद में अगर कोई चीज़ लंबे समय तक भी बायोडिग्रेड नहीं हो रही है, डिकम्पोज नहीं हो रही है, तो हम उसको कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड विच आइटम्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, सो इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉजेज एनवायरमेंट पॉल्यूशन। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटीरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजिली। इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इन टू द एटमोसफेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। ठीक है, जो प्लास्टिक है इतने सारे ईयर्स लेता है डिकम्पोज होने में, कोई निश्चितता भी नहीं होती है,
इस वजह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, एनवायरनमेंट का दोस्त नहीं है, इतने ईयर्स डिकम्पोजिशन में लेता है तो ये मिट्टी को ख़राब करता है, पानी को ख़राब करता है। और जब इसको हम बर्न करें कि इसको बर्न करके इसके डिकम्पोज की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें तो बहुत ज़्यादा, ये सिंथेटिक मटीरियल है इसलिए बर्निंग प्रोसेस क्वाइट स्लो है और डज नॉट बर्न कम्प्लीटली, अच्छे से बर्न नहीं होता है। और जब बर्न होता है तो पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो एनवायरनमेंट का पॉल्यूट करती हैं, ठीक है, और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं और ये गैसेस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। कई तरह की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स का भी कारण बनती हैं। नाउ इसके अलावा और कैसे कैसे प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है। हाउएवर यू हैव एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली काउज आर ईटिंग गार्बेज, इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो द मटीरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड, कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, द प्लास्टिक मटीरियल चॉक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टमक्स एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ, ठीक है। जैसे एनिमल्स जो हैं जब गार्बेज हीप में जाते हैं वेस्ट ओवर फूड खाने के लिए तो वो साथ साथ में प्लास्टिक भी खा जाते हैं, जो फूड आइटम उसमें रैप रहता है उसके साथ प्लास्टिक को वो खा जाते हैं और इससे वो प्लास्टिक आइटम जो है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चॉक कर देता है, ओके, और उनके स्टमक में लाइन कर जाता है, उनके स्टमक में फंस जाता है और जिसके कारण उनकी डेथ तक हो जाती है। द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग ऑफ द ड्रेन्स टू, समटाइम्स वी आर केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड्स और इन द पार्क्स और पिकनिक प्लेसेस, ठीक है। सो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड कीप द पब्लिक प्लेसेस नीट एंड क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक्स। इसके अलावा हम क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग्स को इधर उधर फेंक देते हैं जिससे ड्रेन्स चॉक हो जाती हैं, पानी का फ्लो रुक जाता है और कई तरह के उसमें मस्किटो और फ्लाइज डेवलप हो जाती हैं और कई तरह की कॉम्युनिकेबल और नॉन कॉम्युनिकेबल जो डिजीजेज हैं वो फैल जाती हैं। इसके अलावा हम प्लास्टिक्स जो बिस्किट्स हैं, रैपर जो चिप्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं, उनके रैपर्स इधर उधर और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उधर थ्रो करते हैं जिसके कारण वो अनक्लीन हो जाते हैं, अनटाइडी हो जाते हैं। सो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें ये रैपर्स को और प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, ओके, एंड वी शुड डू आवर ड्यूटी टूवर्ड्स आवर एनवायरमेंट, ओके, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी शुड नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आवर एनवायरमेंट। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके हमें प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट, व्हेन यू आर गो फॉर शॉपिंग यू शुड यूज़ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट, कॉटन और जूट के बैग्स का इस्तेमाल करो। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग उसको जमा करो और उसको डिस्पोज्ड भी अलग अलग करो। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज बाय विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटीरियल्स। सो इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक वे मटीरियल, देर आर ऑल्सो अदर वेज ऑल्सो, वी शुड रिसाइकिल रीयूज द प्लास्टिक आइटम्स एज फार एज पॉसिबल, ओके। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए हमें 2 सेपरेट बिन्स अपने लोकेलिटी में लगाने चाहिए, और वी कैन से एक तो ब्लू बिन्स डस्टबिन फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ग्रीन डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल द प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड, ओके। सो वी कैन रिसाइकिल प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक कैन ईजली रिसाइकिल, थर्मोप्लास्टिक रिसाइकिल हो जाता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक आइटम्स को रिसाइकिल करना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल एंड रिकवर।
रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें 4R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए. 4R मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर. रिड्यूस, हमें प्लास्टिक के यूज़ को कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए जहाँ तक हो सके. ऑलरेडी हमारे घर में प्लास्टिक बैग्स हैं तो मार्केट जाएँ तो उनका यूज़ करें, ना कि मार्केट से और प्लास्टिक बैग्स लेकर आएँ. उनको ले जाएँ कॉटन बैग्स वगैरह में, उनमें आइटम्स ले आओ अगर प्लास्टिक में इतना ही ज़रूरी है रखना. तो रिड्यूस करें प्लास्टिक के यूज़ को. रीयूज, रिड्यूस करने के साथ साथ हम उनका रीयूज़ करें. रिड्यूस करें प्लास्टिक के यूज़ को, कम करें, और जो प्लास्टिक ऑलरेडी है उसको दोबारा यूज़ में लें. दैट इज़ रीयूज. रिसाइकिल, प्लास्टिक को हम जो प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकते हैं उसको रिसाइकिल के लिए हम अलग से वेंडर्स को दे दें. रिकवर, प्लास्टिक से हम कुछ नया बना सकते हैं, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट बना सकते हैं, कुछ अच्छा बना सकते हैं, उसे रिकवर्ड कर सकते हैं. तो इस तरह से ये हैबिट्स अपना कर, 4R प्रिंसिपल अपना कर हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन सकते हैं. सो डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली. ओके, सो इसके अलावा डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड्स, जो हम कर सकते हैं. टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग. ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटीरियल्स. यूज ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वन. प्लास्टिक की जगह हमें स्टील लंच बॉक्स का यूज़ करना चाहिए बच्चों को स्पेशली, क्योंकि प्लास्टिक वैसे भी गर्म गर्म खाना प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, रिएक्शन होने का डर रहता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन. सो वी कैन से वी शुड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स. सो अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल एंड सेव आवर एनवायरनमेंट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.